समय की बात है, एक गांव में रहता था एक व्यापारी जगन नामक। उसके पास थे दो गधे, जिनका वो भार उठाने के लिए अपने व्यापार में उपयोग करता था। दोनों गधों में से एक गधा था जिसको हमेशा भूख लगी होती है। ये गधा बहुत सारा भार उठाता था, परंतु उतना ज्यादा खाता भी था। शाम को इस गधे को बहुत कुछ खिलाना पड़ता था, नहीं तो गधा चुप नहीं रहता। उसी गांव में मनीष नामक एक और व्यापारी था, जिसके पास भी था एक गधा, परंतु मनीष का गधा उतना भार नहीं उठाता। एक दिन दोनों व्यापारी एक पेड़ के पास एक दूसरे से टकरा गए। जगन भाई, तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारा गधा कितना सारा भार उठाता है। मेरे वाले को देखो, किसी काम के लायक नहीं है, ज्यादा भार उठाता ही नहीं। अरे मनीष भाई, हाँ ये बहुत भार उठाता है, परंतु इसको हमेशा भूख लगी रहती है। मेरे आधे से ज्यादा पैसे इसके खाने पीने में ही जाता है। दोनों ने कुछ समय तक बातचीत की और फिर अपने अपने रास्ते चले गए। एक दिन जगन और उसकी पत्नी भूखे गधे के बारे में बात कर रहे थे। राधा, इस गधे को पालना अब कठिन हो रहा है, इसके कारण मुझे बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। सही बात, एक काम करते हैं, तुम्हारे दोस्त मनीष को ये गधा पसंद है ना, मनीष को ये गधा बेच देंगे, समस्या ही हल हो जाएगी, क्या बोलते हो जी? जगन अपना गधा मनीष के पास ले गया। मेरे दोस्त, तुम हमेशा परेशान रहते हो ना कि तुम्हारा गधा काम नहीं करता है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मेरे पास एक और गधा है, तुम इसको ले लो। ये वही भूखा गधा है ना? अगर ऐसा है तो मैं इसकी देखभाल नहीं कर सकता। अरे नहीं नहीं, ये दूसरा है, ये देखो इसके सिर पर ये वाला निशान भी है। मनीष ने पूरी तरह गधे को जांचा और फिर जगन को गधे के पैसे दे दिए। अगले दिन मनीष ने अपने नए गधे पर भार चढ़ाया और चलने को कहा, परंतु ये गधा थोड़ा सा भी नहीं हिला। मनीष ने उसको पीछे से ढकेलने की कोशिश की, बहुत समय तक प्रयत्न किया पर गधा हिला ही नहीं। बस गधा चिड़चिड़ा होकर मनीष को लाते मारे। उफ़ो, ये गधा सुनता ही नहीं, लगता है जगन ने मुझसे झूठ कहकर वो भूखे गधे को बेच दिया है। मनीष को शक हुआ और उसने गधे के सिर पर उस निशान को छुआ। हाथ लगाते ही निशान पूरा मिट गया। हाँ, जगन ने मुझे धोखा दिया है, थक, मुझे पता है अब इसे काम कैसे कराऊं। मनीष ने एक मकाई भुट्टा लिया और उसे एक छड़ी से बांध दिया। अब छड़ी को गधे के पीठ से बांध दिया, जिससे मकाई भुट्टा गधे के मुंह के सामने लटकने लगा। गधे ने मकाई देखा और उसको खाने की कोशिश में आगे चलने लगा। इसी तरह गधा खाने की कोशिश में आगे चलता रहा, भार पीठ पे लिए। कुछ दिनों में ही
अपनी बुद्धिमानी से मनीष ने खूब धन कमाया और समाज में बड़ा नाम। जब जगन ने मनीष को देखा तो वह उससे ईर्ष्या करने लगा और खुद से खफा था कि ये विचार उसने पहले क्यों नहीं सोचा।